भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने। ये अरे वाह सो निहाल बोले सो निहाल। जैविक किसान जैविक जीवन सबका कल, जैविक जीवन बोले सो निहाल। 28 जनवरी 2023 और अभी हम हैं पंजाब के मानसा जिला के, हमारे कृषक हैं, क्या नाम आपका? गुरुसेवक जी के। हम इनका ये सरसों का खेत देख रहे हैं। इस खेत की पहली विशेषता तो ये है, इस खेत में 1.5 साल से इन्होंने कल्टीवेशन नहीं किया। ये एक बेड बना दिया है, देखिए बेड जो दिख रहा है ये बेड बना दिया है और इस बेड पर ही बोनी करते हैं। पहले इन्होंने बोनी सबसे पहले किसका किया बोनी? कनक गेहूं का। और दूसरी बोनी किसका किया? कॉटन का। और तीसरी सरसों। और चौथी क्या करेंगे? कॉटन लगाएंगे। तो अब इसमें क्यों लगाते जाएंगे, जुताई नहीं करेंगे? कितने साल से जुताई नहीं हुई? 1.5 साल से नहीं हुई। 1.5 साल से जुताई नहीं हुई। ये बेड बना दिया गया, इसी पर लगातार लगा रहे हैं। हाँ जी, इसी पे। और यहाँ तो थोड़ा कचरा दिख रहा है, लेकिन अंदर आएंगे जहाँ इन्होंने मल्चिंग करके रखा है यहाँ कचरा नहीं है। ये देखिए जरा, इसमें कचरा नहीं है, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं है। उसके आगे और देखते जाएंगे तो कचरा नहीं होगा, खरपतवार बिल्कुल नहीं होगा है ऐसा, मतलब थोड़ा कहीं कहाँ है। तो ये जो है बेड बना के मल्चिंग कर दो तो खरपतवार नहीं उगते, फिर पानी भी कम लगता है। हाँ जी। और पौधों को बढ़ने की जगह मिलती है। सबसे बड़ी बात मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर इन्होंने सोल से भस्म रसायन किट बुलाया, जीवाणु कल्चर किट बुलाया। हाँ जी, कल्चर किट। हाँ जी, कैप्सूल कल्चर किट। कैप्सूल कल्चर, उसमें अग्निहोत्र भस्म आया था ये थोड़ा। उसका कितने एरिया में डाले हो? ये तीनों में स्प्रे किया, 3 एकड़ में। कि तीन, उसका आधे से ज्यादा लेकर ही स्प्रे किया, ज्यादा नहीं था हमारे पास, ज्यादा था नहीं, नहीं तो था। कितने जगह में स्प्रे की हो, कितने एकड़ में? 3 एकड़ में। 3 एकड़ में थोड़ा थोड़ा डाला, छोटा सा किट जिसमें 100 ग्राम भी भस्म, 50 ग्राम भस्म कैप्सूल कल्चर किट में आता है, उसका स्प्रे 3 एकड़ में किया है। हाँ जी। इस खेत में स्प्रे किया है, ये जो यहाँ किनारे स्प्रे किए हो क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं किए, उधर नहीं किए, इस साइड पे खेत में किए हो? खेत में किए, पूरे खेत में किए हो। हाँ, 3 एकड़। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके खेत की मिट्टी, उठाओ बेड से, ठीक है? हम पहले आपकी ऊर्जा चेक करेंगे, सबसे पहले इनकी ऊर्जा चेक करेंगे। और हमने ये इनकी ऊर्जा चेक की, पर्याप्त मेरे ताकत को रोक रहे हैं। हाँ जी। अब जरा जो है अपनी मिट्टी उठा के लाओ, जरा किसी भी बेड से खुरच के थोड़ी मिट्टी। हाँ, ये मिट्टी इन्होंने उठाई है, खेत की मिट्टी, ठीक है? और हाथ को हम चेक करते हैं, और जितनी ताकत पहले इनकी पास थी अभी वो डबल हो गई, ज्यादा बढ़ गई है। अब जरा वो मिट्टी उठाओ जहाँ भस्म का स्प्रे नहीं किए हैं, ठीक है? ठीक है, उठाइए। ये जो है खेत के किनारे की मिट्टी, थोड़ी यहाँ कटाव की, तो ये मिट्टी लाके आपने ऐसे रख दी, ठीक है? आइए वापस, और फिर से दो है, इन्होंने मेड़ की मिट्टी की है, और इनकी ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, नहीं लग रही, लगाओ नहीं लग रही कुछ नहीं, कितनी नहीं। परसेंट ताकत खत्म? बहुत कम हो गई। तो पहला इन्होंने मिट्टी पॉजिटिव किया, मिट्टी पॉजिटिव करते ही, केवल एक काम करते ही आपकी फसल अब बढ़नी शुरू हो जाएगी, पहला काम, ठीक है? दूसरा काम है, हाँ, ये मिट्टी को अलग कर दीजिए, ठीक है? दूसरा काम कि ये जो है इन्होंने बेड बनाया, इस पे मल्चिंग कर रहे हैं जीवाणु। अच्छा, कैप्सूल कल्चर किट बुलाए तो वो जीवाणु डाले हैं? हाँ जी, एक बार ही डाला है, एक बार ही डाला है। वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ था, जल्दी में डाल दिया क्योंकि पानी लगाना था, उसी में दे दिया। सिर्फ अभी है वो कैप्सूल कल्चर आपके पास है जी? अच्छा, तो अभी जब कॉटन की बोनी करेंगे तब डालेंगे?
डालेंगे, जरूर डालेंगे। तो आप कॉटन की खेती में क्या करिए, जीवाणु जल तो डालिए, अणु जल भी डालिए, ठीक है, ऊर्जा जल भी डालिए, अभी भस्म रसायन भी है ना, ऊर्जा जल इतना डालिए कि आपका हाथ ऐसे कोई दोनों हाथ से भी दबाए तो हाथ नहीं आना चाहिए, ठीक है जी, समझ रहे हो, और ताकत इसकी बढ़ाइए। यानी हर अमावस्या में ऊर्जा जल और अणु जल, और हर पूर्णिमा में जीवाणु जल और अणु जल, ऐसा कॉटन में चलाना। अच्छा जी, अगर कॉटन पानी ना लगे तो स्प्रे नहीं, जो भी कहो तो स्प्रे करो फिर, ठीक है, ऊर्जा 20% ऊर्जा जल 20% अणु जल का स्प्रे कर देना, ठीक है जी। और जब अमावस्या जो है में, अमावस्या जब आए, जब चांद ना रहे, ठीक है जी, है ना, आसमान में चांद ना दिखे, तब 20% ऊर्जा जल 20% अणु जल का स्प्रे करना, स्प्रे करना। और जब जो है आसमान में चांद रहे पूर्णिमा, पूर्णिमा उस समय 20% अणु जल और 20% जीवाणु जल का स्प्रे करना, ठीक है जी। उसके लिए हमारा सोल से जो है एक कैलेंडर भी बुलवा लीजिए, उसके आधार पर करिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये बताइए, आपकी सरसों पूरी उधर दूर तक पीली दिख रही है, हाँ जी, और ऊपर से नीचे तक फलद भी दिख रही है, हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, इस क्षेत्र में मैंने इतनी अच्छी सरसों दूसरे किसानों की तो नहीं देखी, आपका क्या कहना? हाँ जी, यहाँ कम है, उसकी हाइट छोटी है, इतनी इतनी, हाँ, इतनी हाइट है जितना भी खेत देखा मैंने, हाँ जी। क्योंकि कल आ रहा था तो जितना भी खेत देखा, बल्कि हमारे जो है श्रीकर शर्मा जी ने भी कहा कि इधर सरसों सब जगह छोटी है, छोटी है जी। ये बीच में तो 9-9 फुट होगी, ये 8-8 फुट है, मतलब 8 फुट 9 फुट की है, है इसलिए ये साइड साइड की होने की वजह से थोड़ी कम है, हाँ, वो बीच अंदर की तो 9 फुट की है, है जी, बिल्कुल है। अंदर अच्छा 9 फुट की है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इससे भी ज्यादा ऊंचे हैं, हाथ ऊपर करें तो फिर भी ऊपर जा रही है, 9 फुट हाथ ऊपर करें तो, चलो जरा एक बार घुस के बताओ, आइए। अच्छा बताइए गुरसेवक जी, हाँ जी, दूसरे जो किसान हैं उनके यहाँ कहीं पर इतनी फलत वाली है सरसों? देखो ये इतना मैं गया नहीं खेत में, पर मुझे लगता नहीं कि इतना फल होगा। अच्छा कहीं पे, ओ ये देखो ये आगे थोड़ा, वाह क्या बात, बस यही रहेगा, यही नहीं हो रहा है, हाँ जी हाँ जी, गजब, आइए कुल साथ में खड़ा हूँ, यहीं पे बेड के ऊपर ही खड़ा हूँ, ये मैं 8 फुट की इसकी जो है 8 फुट से ज्यादा 10 फुट की हाइट हो गई, और फलत भी है जो है, जब यहाँ से जो है नीचे से ही जो है ये फलत आ रही है, और ये बेड भी दिखाइए जरा, ये देखो बेड, कहीं पर जो है खरपतवार नहीं है, ये देखो, और ये सॉफ्ट देखो, ये पोले बड़े हैं, ये देखिए, दिखाइए बेड को, ये देखो, ये क्या मिट्टी है जबरदस्त, पंचमहाभूत चेक करवाइए जरा, रखिए हाथ को, पहले तो कभी पंचमहाभूत चेक नहीं हुआ, नहीं जी, मिट्टी आपकी ऊर्जा पॉजिटिव तो जांच लिए, भूमि तत्व भी पूर्ण है ना, गगन पूर्ण है, वायु भी पूरा है, अग्नि भी पूरा है, ठीक है जी, और नीर भी पूरा है, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके पंच महाभूत पूर्ण है, अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई जी, है ना, ठीक है, ठीक। और सबसे बड़ी बात, आप 1.5 साल से इसमें जुताई नहीं कर रहे, और आगे भी करेंगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये जो मैं कहता हूँ बिना जुताई की खेती इन्होंने शुरू कर दी, अब मुझे बताओ सिंचाई भी कितनी करनी पड़ेगी दूसरे जो रासायनिक खेती की अपेक्षा? उससे कम करनी पड़ेगी, उससे कम, इसमें दो ही पानी लगाए और लगता नहीं इसमें, हाँ हाँ हाँ, वैसे सरसों में तो दो ही पानी लगता है, तीन हमारे यहाँ तीन लगते हैं, अच्छा तीन लगते हैं, आपने दो लगाए, दो ही लगाए, अच्छा अभी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, अब जो है तीसरा जो है आप कॉटन लगाएंगे उसमें भी पानी कम कम लगेगा, बहुत बढ़िया। अब मैं जांच करता हूँ तुसार की, ठीक है, पूरे जिधर से मैं आया वहाँ पर 70% दाने तुसार लगने से खराब हो गए, अच्छा जी। आपका जरा एक मोटी फली जो है तोड़ के उसके दाने हम चेक करते हैं, हाँ लीजिए लीजिए, ये जो है दाने हम चेक करते हैं, देखते हैं इसमें, यहीं से दिख रहा है ये फलियां तो सब ठोस दिख रही हैं, थोड़ा इसको चीरते हैं, ये देखिए फलियां, सब फलियां बराबर दिख रही हैं, ये देखो ये, हाँ जी, एक भी फली, ये फर्स्ट की फली शायद छोटी है, ये है शायद ये एक, ये लेकिन ये देखो पूरे फलियां बराबर दिख रही हैं, हाँ जी, एक दो तीन चार पाँच छ सात 8, 9, 10, 11, 12, इसमें 13, 14 और ये 15 जो है दाने बराबर दिख रहे हैं।
आपके यहाँ पंच महाभूत अब अच्छे हो गए हैं जी, है ना। अब आपके यहाँ जो चमत्कार दिखना चाहिए बढ़िया अच्छे आए, इसकी जो है आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, और आपने भी बाबूजी बड़ी जो है हमारी सेवा की, आनंद आया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बूटा सिंह भाई जी का भी धन्यवाद कि भाई इन्होंने भी जो है हमारी जो है कल जो है बढ़िया व्यवस्था की, कल अच्छी एक बैठक कराई, चिंता की। खो गए गुरु जी आप तो, कहाँ हो, दिखी नहीं रहे। वाह सच में, लेकिन आनंद आ गया, बढ़िया जबरदस्त। तो ये जो है कैप्सूल कल्चर, इसमें ले जाते हैं आप बना? इसमें मल्टीप्लाई करके खेत में ले जाते हैं। अच्छा, तो इसके बैक साइड टूटी लगा है, वो छोड़ देते हैं पानी के साथ। अच्छा, इसमें वाह देखो ये मदर कल्चर कितना बढ़िया। अभी रुके रुके, दिखाइए जरा अंदर तक। ये मदर कल्चर बना है तो इसमें से आप निकालते रहते हैं? हाँ, निकालते और डालते रहते हैं। घुमाइए जरा, ये देखो, ये पर तो देखो ये कितनी, अरे वाह क्या बात है, ये देखो ये हाँ, उठाई 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 वो अंदर लकड़ी करके उठाई, कोई दिक्कत नहीं। इतना मोटा जो है ये, जैसे क्या होता है उसका छत्ता होता है ना मशरूम का, हाँ जी हाँ जी, वैसा छत्ता बन गया मदर कल्चर का। हाँ जी। और देखिए अंदर कोई इल्ली नहीं, और इसका गंध देखिए कितनी बढ़िया। अच्छा अच्छा स्मेल आ रहा है जी। अच्छा स्मेल आ रहा है, खुशबू आ रहा है, बहुत बढ़िया। कितने दिन का बना हुआ हो गया है ये? तो 1.5 महीने के हो गया जी। तो इससे निकालते रहते हैं? हाँ, निकालते रहते हूँ और डालते। और ये देखिए ऊपर जो ये आ गया ना, ये सब जो है ना बैक्टीरिया है, ये सब उनकी कॉलोनी है। ये देखिए, हाँ जी, ये नीचे दिखाइए जरा, ये देखो ये कॉलोनी, इसको भी खुरच के अगर कोई जो है ना पानी में डाल दे, ये देखिए पूरे, ये पूरी कॉलोनी बन गई। बहुत सुंदर, इसको यही रखते हैं बस। बहुत बढ़िया, जितना निकालते हैं थोड़ा सा गुड़ डाल के और हाँ, पानी डाल देते हैं। बस बस बस, और उबला हुआ गुड़ पानी करिए। हाँ जी, उबाल के, उबाल के गुड़ पानी लेते हैं ना, वो ठंडा करके डाल। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। अब आपकी गाय थोड़ी दिखाइए, गाय के लिए पीने के लिए। हाँ, इनमें ड्रमों में क्या बनाया? इनमें इनमें एक में गोवर्धन खाद गोला हुआ जी। अच्छा दिखाओ, गोवर्धन स्प्रे के लिए। अच्छा गोवर्धन खाद है? हाँ जी गोवर्धन, ये भी दिखाइए, इसका स्प्रे करते हैं? हाँ जी, इसका सब्जी के लिए रखा हुआ है ये। 100 लीटर में कितना गोवर्धन डाले हैं? नहीं ये तो 40-50 का है जी। अच्छा, थोड़ा सा डाला था ऐसे ही, ऐसे ही हाथ से, 1.5 किलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गोवर्धन खनिज खाद। हाँ जी, आपकी गाय पॉजिटिव है, इस गाय के गोबर से कंडे बनाइए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, और भैंस का गोबर अलग रखिए, और जब गोवर्धन सजीव खाद बनाएंगे तो गाय का गोबर और भैंस का गोबर मिलाकर और बनाइए। तो इसके कंडे बनाइए अग्निहोत्र करने के लिए। ठीक है, इसके गोबर अलग ही रखिएगा, इसका अलग ही रखते। और ये गोबर देखो कितनी क्वालिटी है गोबर की, ये देखो जरा, हाँ जी कितनी क्वालिटी है, जबरदस्त। इसमें हाथ रखिए जरा, पंचमहाभूत चेक करते हैं। रखना है ऊपर? हाँ हाँ, रखिए ऊपर, उसे टच करके रखिए। भूमि कंप्लीट है इसकी, गगन कंप्लीट है, वायु कंप्लीट है ना, अग्नि कंप्लीट है, नीर भी कंप्लीट है। ये गोबर के पंचमहाभूत पूरे हैं। हाँ जी, इसका पंचगव्य भी बना सकते हो आप। अच्छा जी, इसी गोबर का, हाँ पंचगव्य बना सकते हैं, मनुष्य के खाने के लिए भी और खेत के लिए भी। ठीक है, ठीक है। ये क्या मूली लगाए हैं? ये सींगरे हैं। हाँ, मूली, मूली के बीज। हाँ जी, मूली के बीज, मूली के बीज नहीं कहेंगे, जहाँ जो कल खाया था ना। हाँ हाँ, वो अपन खाए थे। बहुत सुंदर, कितना स्वस्थ बढ़िया दिख रहा है। छप्पन भोग वाटी का ही हो गई ये, अपने ही है, इतना लगा दो। ये कितने दिन का पेड़ है ये देखो? ये टूट गया था अंडी के साथ, तो इसकी जो साइड वाले संख्या थी ना, ये तो सिर्फ वही है। एक मैं खा रहा हूँ ना, ही ले लो आपकी अनुमति से। नहीं नहीं जरूर जी। कितने समय का पेड़ है ये? तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। एक साल का है? 1.5 साल तो होगा शायद। वो क्या मीठा है, जबरदस्त। और जो मेन था ना गुरु, वो तो टूट गया, टूट गया। हाँ, ये ना डाणी थी, डाणी कट, ये साइड वाली थी, उसको खड़ा कर दी। मटर देखो गुरु जी कितने शानदार, कट करते रहिए अब। हाँ जी, होते रहेगा। हाँ जी, और उधर थोड़ा वहाँ भी लगाया जी हमने, टमाटर वगैरह।
ठीक है। क्या दिखा रहे हो आप? मटर देखो गुरु जी कितने शानदार है। हाँ थोड़े आगे हैं जी। मटर मटर हाँ जी बहुत बढ़िया। और इतनी जगह में जब इसकी बुआई की थी जी, थोड़ा गोवर्धन खाद डाला था मैंने 1.5 किलो इतनी जगह में। अच्छा हाँ जी, तब सब्जी बोई थी इसके बाद। गोवर्धन खनिज खाद का भी कमाल। हाँ जी देखो गुरु जी। हाँ जी उधर, हाँ जी उधर, इस तो भी ज्यादा ही। चलो आइए उधर देखते हैं। हाँ जी ये लहसुन। हाँ जी इसको भी ऐसे ही लगाया जी। इसके बाद तो पहली बार ही लहसुन लगाए? नहीं लहसुन तो लगाते हैं जी पहले। हाँ जी पहले। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं ऐसा मोटा नहीं हुआ था। अच्छा इतनी मोटी डंडी नहीं हुई? नहीं अभी तक तो नहीं हुई थी जी। क्या बात है। तो यहाँ भी आपने गोवर्धन खाद और जीवाणु जल डाला है? जीवाणु जल नहीं, ओनली गोवर्धन खाद डाला है बुआई के समय। बुआई के समय? हाँ जी। और अभी ये बढ़ रहा है और इसमें कोई गुडाई नहीं किया, कुछ नहीं किया अभी तक, एक दो पानी लगाया जी बस। बहुत बढ़िया। वो भी अच्छे हैं। ये टमाटर भी देखें। हाँ जी ये दिखा दिए। गुच्छे में आ रहा है फल ये। हाँ जी हाँ जी ये और आ रहा है छोटा सा ये जो एक गुच्छे में ये तीनों छह फल छह हो गया जी। जी जी छह फल हो गए उसमें भी छह फल लगे हैं सब बड़े हो गए। इसमें भी छह है देखो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बड़े हो गए। और ये क्या लगाया आपने? ये कटर है जी गुरु जी, कटर बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? खाने काम आता है। हाँ सब्जी के जैसे मटर होता है वैसे ही होता है ये। देखिए क्या जबरदस्त फ्लावरिंग आ रही है। हाँ जी ये गुच्छे में आ रहा है सब। हाँ जी फूल। उधर प्याज है भाई जी? हाँ जी वो चाचा जी गए उधर प्याज है जी ना, वो भी लहसुन है जी। देसी बीज की तो पूरा वास्तव में 56 भोग वाटिका ही लगा दिया। एक देसी बीज की किट लगाई थी उसमें सब आया था। कुछ तो मुझे मालूम भी नहीं है क्या होता है। अलसी तो वो है जी सेंटर में ना। हाँ ये अलसी है। अलसी ये अलसी है जी। हाँ ये अलसी है। नहीं नहीं ये देखिए सौंफ। हाँ इसको भी खा के देखिए जरा। इस सौंफ को खाइएगा तो अलग ही स्वाद आएगा इसका। अच्छा जी। हाँ आपने कभी खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया नहीं। फिर खाओ पहली बार। ये तो हाँ जी सही बात है। हाँ एक अलग स्वाद है। चलिए ये धनिया इसमें कोई माऊ मच्छर कुछ नहीं है। कुछ नहीं आया ना इसमें भी देखो कुछ नहीं आया। अलसी में भी इतनी ग्रोथ मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी कि जो है 3-3.5 फुट की अलसी। हाँ जी और विदाउट केयर इसमें कुछ नहीं किया ये। इसके बाद शुरू में आपने बेसल में दे दिया ना बेसल डो जो गोवर्धन। हाँ खनिज खाद है ना कंप्लीट फूड है। इतना ही दिया जी बस इतना ही। हाँ उतना ही दिया जाता है। ज्यादा है कम नहीं है। कुछ लोग उसको ज्यादा डाल देते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। वो मेथे भी देखो वो कितने हो गए 3-3.5 फुट हो गए। मेथे हैं बड़े। अरे मेथी भी जबरदस्त है यार। आइए जरा मेथी की तरफ भी आइए। अकेला गोवर्धन खाद और जीवाणु जल का कमाल है। और इसकी तो पता नहीं कितने बार कटाई हो चुकी है। अच्छा कितने बार कटाई हो गई है? सब्जी बना लिया। हाँ जी ये देखिए मेथी की पत्ती की चौड़ाई देखिए। ये देखिए मेथा है ये मेथा। हाँ जी क्या बात है पत्तियों के लिए ही है ना। हाँ जी हाँ जी क्या बढ़िया है ये देखिए गुरु जी। यहाँ पे अपना उधर 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 दिखाएं ये चौड़ाई देखो जी। वाह गुरु जी अपना यहाँ पे एक फॉर्मूला और अप्लाई हुआ है जो हम मिट्टी 5 फीट की मिट्टी डालने को बोलते हैं वो यहाँ पे डाली हुई है जिन्होंने। अच्छा गहराई की मिट्टी डाले हो? हाँ ये मिट्टी यहाँ नई डाली है जी। हाँ जी ये नई मिट्टी है जी। हाँ हाँ मिट्टी ला के डाली उससे ये जो अपना पर इसका पहले साधन है वो काम किया हुआ है। पर इसका पहले नहीं पता था कि मिट्टी डाला इधर नेचुरली कुदरती हो गया। नहीं वो काम तो हो गया ना। हाँ जी काम। हाँ मैं हम उसको मृदा आच्छादन जो मेरा पहला है। हाँ जी ये पूरा भूमि उपचार का कोर्स में आता है। भूमि उपचार के कोर्स का हिस्सा है मृदा आच्छादन करना। ठीक है हमें आप 10-15 ट्राली 5 फीट तक की मिट्टी अगर बिछा देते हैं तो उसमें आपके न्यूट्रिशन चले हो जाता है। कमाल हो गया कमाल। ये धनिया गुरु ये देखना ये दिखाओ जरा बर्ड बीटल बहुत है जी इसके अंदर। ये जो है ना अच्छा वाला बीट है बीटल है बर्ड बीटल गिर गया। और इधर खाद डाली हुई है बनाने के लिए उसमें जीवाणु घोल और खाद डाल के। और इस पोटैटो जो लगाए थे ना ये इसमें गोवर्धन खाद नहीं डाला था वो पाले से खत्म हो गया जो देखो खादा खत्म हो गया। अच्छा हाँ ये भी दिखाओ क्या था इसमें
ये जो पोटैटो थे बहुत अच्छे हुए शुरू में तो हाँ, हाँ। इसमें गोवर्धन खाद कुछ नहीं किया, स्प्रे भी नहीं हुआ इस पे। अच्छा, बुआई के समय भी गोवर्धन खाद नहीं डाला। अच्छा, ये आधा खत्म हो गया था, दोबारा अभी चल रहा है। अगर ये गोवर्धन खाद डाला होता तो पाले का ये असर नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बोले आपने। अब वहाँ पे डला था, वहाँ पे नहीं बढ़ा। हाँ जी, वहाँ पे नहीं हुआ। हाँ, टोमेटो को कुछ नहीं हुआ। बड़े बूटे तो भी तकड़े बूटे, इतनी हाइट सी है जी सारे भी। इसकी वो देखो, खड़े बड़े नहीं, एक दो खड़े हैं। अच्छा, ये सब इतने थे। अच्छा, वो रह गया ऐसे थे, ये थे। ये कोरे की मार में आ गए सर। वो ना गुरु दिखा रहा था। और नीम की पत्ती आँख का जलो दिखाओ, 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 दिखाओ। और उसको मैंने फिल्टर करके रख लिया एक साइड पे। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा मुझे लगता है बना हुआ। बाकी आप देखो, वो लास्ट ईयर बनाया था कॉटन के लिए। ये जो है, ये जो रूट्स है, ये देखो, ये कितना बढ़ गया, अभी टूट गया। हाँ हाँ, ये देखो कितना है, दिखाओ। ये हैं रूट्स। हाँ जी, जब ये स्वस्थ रहते हैं, ये मदर रूट्स हैं। ये जब ये स्वस्थ रहते हैं तब रिजल्ट मिलता है। ये संगना बहुत, बीज बहुत डल गया ये इसमें। हाँ, ज्यादा बीज डल गया। हाँ जी, हाँ जी। इस वजह से छोटे बड़े हो गए। ये देखिए सिंगल खड़ा है। ये देखो ये कितने रूट्स है। इन रूट्स के कारण पौधा जो है चलता है। हाँ, और बिल्कुल व्हाइट है ये देखो। हाँ हाँ, व्हाइट रूट्स। चलिए चलिए, वो जरा दिखाइए मुझे। हाँ जी, वीर प्राजी ने हमें जो है चलते चलते कार में ही जो है शॉल और कंबल भेंट कर दिया। अच्छा, पग है। अच्छा, तो पग तो बांध दो आप। जी को संतरी मांग रहे थे यार, हम पर्वत को हाथ लगाकर संजीवन कर सकते हैं। मर्यादा बन कर असुरों का बल मर्दन कर सकते हैं। रामेश्वर की पूजा करके जल पर पत्थर तैरे कदम कदम। याद रहोगे हमेशा, इतना जादू की शक्ति जो है कहीं कहीं मिला है। आपका मन जो है इतना विशाल हृदय है, जितनी चौड़ी पानी में है उससे ज्यादा जो है मन आपका बड़ा सुंदर है। आप मेरे इसमें रहोगे ना, चलिए बैठे ना। जरा छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रकट होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन का रथ आग रहा जो, उसके हम सब दीवाने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भीम पराक्रम प्रकटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन का रथ हाँक रहा जो, उसके हम सब दीवाने। कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने। भारत माँ का जैविक किसान, जैविक जीवन, सबका कल्याण।
जैविक जीवन सबका कल्याण। बोले सो निहाल।